अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है सबका? सब ठीक ठाक खैरियत से? तो पहली बात तो ये कि आज मैं आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि गैस कर लें आपकी क्या हरकत हुई है आज। खैर, तो मैं बेसिकली एक स्किन का डॉक्टर के पास गया हुआ था आज। तो ज़ाहिर बात, अगर आपने अब स्किन चेक करवानी होती है तो फिर आपको वो पूरी जो है वो क्लीन शेव करनी होती है। तो ज़ाहिर बात, अब क्लीन शेव है और पहले दाढ़ी थी, तो इट्स अ बिट वियर्ड किसी के सामने इस तरह जाना एकदम से। अपने लिए भी बंदा के लिए वियर्ड होता है कि एकदम से देख कर डरता कि हैं ये क्या हो गई, मैं ही हूँ, वाकई मैं हूँ। तो इसलिए लिहाजा मैं आज ये मास्क जो है वो अपना नहीं उतारूँगा। सेकेंडली ये कि क्योंकि मुझे करोना वायरस से बचना है तो इसलिए मैं ये पहन के रखूँगा। तो खैर, हुआ ये कुछ यूँ कि जो तबीयत है ना मेरी, वो थोड़ी सी 2-3 दिन से ख़राब है। यानी कि जो मेरा गला है वो काफ़ी ख़राब है 2-3 दिन से। तो वहाँ बैठ के जो है मुझे बार बार खांसी आ रही थी, तो मुझे वहाँ पर डॉक्टर का जो होता है असिस्टेंट, तो उसने मुझे ला के दिया ये मास्क। और जब मैं डॉक्टर को मिलने गया अंदर, तो उन्होंने बताया कि जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, मतलब कोरोना वायरस की, कि हम लोग उसको बहुत लाइट ले रहे हैं। और क्योंकि जो एक साफ सी बात है कि जो पाकिस्तानी आवाम है, हम लोग एक तरह से काफ़ी निडर किस्म के लोग हैं, या कह दें कि बाज़ अवक़ात हम काफ़ी केयरलेस हो जाते हैं। अभी जिस तरह करोना वायरस है, तो हम बिल्कुल चिल कर रहे हैं, हम उसको बेसिकली एक मजाक ले रहे हैं कि भाई करोना वायरस क्या है, कुछ भी नहीं है, हमें बस ड्रामेबाजी हो रही है, ये है तो वो है फलाना टमकाना। लेकिन जो मुझे डॉक्टर ने बताया है आज, तो उन्होंने ये बताया कि बेसिकली ये वाकई ही एक वायरस है और काफ़ी हार्मफुल वायरस है। अभी भी कोरोना वायरस जो पाकिस्तान के अंदर नहीं आया, लेकिन जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो पाकिस्तानी आवाम को लेने चाहिए, और उससे जो बचने के जो तरीके हैं उनको अपनाना चाहिए। तो डॉक्टर ने ये कहा कि अगर, मतलब अभी ये है कि आजकल अगर किसी को फ्लू है, गला ख़राब है या ऐसा कोई मसला है, तो वो अपने फेस को कवर्ड रखे, ज़्यादा गैदरिंग में ना जाए, और कोशिश ये करे कि अगर वो बीमार है या कुछ भी है तो हैंड शेक्स वगैरह नहीं करे। क्योंकि जब मैंने डॉक्टर को हैंड शेक किया, तो उसने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा आराम से हैंड शेक, यानी जिस तरह होता है ना कि द हैंड शेक वॉज नॉट दैट मच वेलकमिंग, तो मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा ना ये ना कर रहा है। तो खैर, बात जो मैंने करनी थी वो ये है कि वाकई जो करोना वायरस है, हम लोग उसको बहुत लाइट ले रहे हैं, और इतना जो है वो लाइट उसको नहीं लेना चाहिए। उसके लिए हमें वाकई थोड़ा सा जो है ना सीरियस होना चाहिए कि यार वाकई ये एक चीज़ है, एक डिज़ीज़ है, एक वायरस है जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक कर सकता है, लेकिन स्टिल वी आर सेफ, उसने अभी तक अटैक नहीं किया, तो इसलिए अभी तक जो है वो हम बचे हुए हैं। तो ये है कि गैदरिंग वगैरह में अगर आपको खांसी या फ्लू है तो आप उससे बचें, और ख़ास तौर पर जो फ्रेंड्स होते हैं ये एक दूसरे का जूठा ना खाएं, जो कि हम लोग यू नो भाईचारा और ये वो ब्रदरहुड एंड दिस एंड दिस उसमें चलता है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो ना करें। और दूसरी बात ये कि कल की बात है, हाँ कल की ही बात है, इस्लामाबाद के अंदर हमारा जो पाकिस्तान का एक F-16 प्लेन है वो क्रैश हुआ है, जिसका बेहद अफसोस है, और जिसमें हमारे पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट थे वो भी उसमें। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे जो व्लॉग्स होते हैं ना, वो सुकून से नहीं बन सकते। अच्छे वाला मैं छत पे बैठ के बातें कर रहा हूँ, और ये देखें ये भाई साहब जो है ना, इनको आप जानते ही होंगे, ये कौन है? शाजे। और ये मुझे इधर भी तंग करने आ गए। हाँ जी, ऐसे ही बोल, ऐसे ही बोल, मैं काम बिजी हूँ यार, तुझे नजर नहीं आ रहा कि मैं बिजी हूँ? तू मेहमान है, तू कहाँ का मेहमान है? मैं उधर से आया हूँ मेहमान। अस्सलामु अलैकुम। बड़ा तू शर्मा रहा। हाँ बोलो। तो तेरे काम जो है ना वो नहीं खत्म होते। खैर, अच्छा तो बात ये थी मैं कह रहा कि कल जो है वो हमारा F-16 जो है वो गिरा है इस्लामाबाद के अंदर, उसका बड़ा अफसोस है। और नाम क्या था पायलट का?
भूल गया, लग मैंने नाम रात भूल को ना गया। सर्च किया, उस्मान तो था मेरे ख्याल से, मेरा वही था ख्याल है वो नाम। मैं सर्च करके जो है ना लिख दूंगा यहाँ पे। तो बड़ा अफसोस होता है कि जब हमारे जो है वो इस तरह के अच्छे ऑफिसर्स जो एफ होते हैं वो। सिक्सटीन में नहीं गिरा था, गिरा था वो नाम था उसका, F-16 नुमान था, अख्तर, नुमान अकरम। नुमान अकरम। तू गूगल पे सर्च करके भी जो ना इनसे नाम नहीं सही लिया जा रहा। तो प्लेन कौन सा था? F-16 ही था मेरा ख्याल, जेट जेट कोई एफ था, सिक्सटीन एफ था। सिक्सटीन जेट था। तो खैर वो ये था कि बड़ा अफसोस होता है जब हमारे इस तरह के जो पाकिस्तान के अच्छे पायलट्स होते हैं वो शहीद होते हैं। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों को मंजूर फरमाए और उनको जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अब क्योंकि हवा जो है वो काफ़ी तेज़ चल रही है, सो आई एम नॉट श्योर के इफ़ यू कैन हियर मी प्रॉपरली। तो मैं ज़रा इस इसकी बात सुन लूँ, फिर दोबारा छत पे जाके जो है ना आपसे बकाया बात करूँगा। हाँ जी, वेलकम बैक। तो मैं बात ये कर रहा था उस वक़्त कि जो पायलट था हमारा पाकिस्तान एयरफोर्स का, नुमान जिनका नाम था, तो कल जो है वो उनका प्लेन क्रैश हुआ वाइल ही वॉज ट्रेनिंग फॉर द 23rd मार्च परेड। तो जो बेसिकली हमारी जो 23rd मार्च की परेड होती है वो इस्लामाबाद के अंदर, तो वहाँ पे वो जो जेट्स होते हैं हमारे पाकिस्तान के, वो उनके ऊपर जो हमारे पायलट्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं। तो उसी की वो ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे जो पायलट हैं पाक एयरफोर्स के, नुमान। और वाइल द ट्रेनिंग उनका जो है वो प्लेन क्रैश हो गया। अगर वो चाहते तो वो अपनी सीट इजेक्ट भी कर सकते थे अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बजाय इसके कि वो जो प्लेन है वो पॉपुलेशन के अंदर क्रैश हो और उनकी जान बच जाए लेकिन 10, 20, 50, 100 जानों का नुकसान हो, तो उन्होंने उससे बेहतर ये समझा कि वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करें और जो पाकिस्तानी आवाम है, जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी, उनकी जानों को सेफ रखा जाए। बताया हम पाक आर्मी और पाक एयरफोर्स और जितने भी ये आर्मी के जो डिपार्टमेंट्स हैं इनकी वजह से ही हम इस वक्त सुकून में हैं, इस वक्त अपने एक सेपरेट कंट्री में हैं, फ्रीडम से लाइफ गुजार रहे हैं बिकॉज ऑफ दोज आर्मी पर्सनल्स। तो हमें हमेशा उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनके साथ हमें जो है पोलाइटली बिहेव करना चाहिए, क्योंकि बाज़ अवक़ात ऐसा भी होता है कि मैं ये नहीं कहता कि सब ठीक होते हैं। अगर एक पॉन्ड है तो अगर 99 फिशेज सही हैं तो उनमें एक ना एक जो है वो डर्टी फिश होती है, स्मेली फिश होती है, तो हम एक फिश के ऊपर उस सारे पॉन्ड को या उन सारे फिशेस को हम गंदा नहीं कह सकते। तो उसी तरह हर डिपार्टमेंट, हर जगह में कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होता है जो सही नहीं होता, तो उसकी बेस के ऊपर हम हर किसी को बुरा नहीं कह सकते। और सेकेंडली मुझे एक और बात याद आई कि जो कोरोना वायरस का जो है बात है, तो अभी सियाल मतलब सियालकोट के अंदर की मैं बात करूंगा कि आर्मी वालों को ऑर्डर हो चुका है कैंट के अंदर कि किस जो भी आर्मी मैन अपनी ड्यूटीज़ पे खड़े हुए हैं चेक पोस्ट पे या कहीं भी, वो किसी से भी हैंडशेक नहीं कर सकते, उनको ग्लव्स पहनने का ऑर्डर हो चुका है, उनको मास्क पहनने का ऑर्डर हो चुका है। तो अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो जाहिर बात है इट मीन्स दैट देयर इज़ समथिंग जिसका हमें भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये है कि वाइल ट्रैवलिंग और लाइक व्हेन यू आर इन गैदरिंग, तो अपने आप को भी सेफ रखें और थोड़ा सा अवॉइड करें चीज़ों को ताकि हम अपने आप को जो है वो बचा सकें। जहाँ तक मौसम की सूरत हाल है, तो आज से तकरीबन जो मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं, कुछ 2-3 पुराने ब्लॉग्स हैं, उनके अंदर मैंने ये बताया था कि मौसम जो है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और मैं तो हाफ स्लीव शर्ट्स पहनना शुरू हो गया था, लेकिन तकरीबन 2-2.5 दिनों के बाद दोबारा से अचानक से बारिशें शुरू हो गई और मौसम टोटली चेंज हो गया, दोबारा से सर्दी आ गई है। तब ये लग रहा था गर्मियां जो है बहुत नज़दीक हैं, लेकिन अब टोटली डिफरेंट सीन है। और कल रात को या परसों रात को बारिश हो रही थी और मुसलसल बारिश जो है वो हो रही थी,
अभी भी जब मैंने व्लॉग शुरू किया था तो मेरे राइट साइड पर धूप थी और लेफ्ट पर जो है वो क्लाउड्स थे। हाँ पहचाना पहचाना मैं ही हूँ, और अभी भी यही सीन है कि वो क्लाउड्स अब इधर आ चुके हैं और जो लेफ्ट वाला स्काई है वो इंटायरली इट्स क्लियर। मैं बल्कि आपको दिखाता हूँ जी, ये इस वक्त आसमान की सूरत हाल है कि इस तरफ का जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर है, जबकि यहाँ पर पहले बादल थे। और जो ये सारा है इस वक्त डार्क क्लाउड से भरा हुआ है, और वो पीछे जो है धूप है, सूरज है। तो बादल तो इस वक्त बहुत जो है वो डार्क हैं। मैं बल्कि आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। देखें जी, यहाँ पे ये आसमान बिल्कुल क्लियर, और फिर शुरू होते हैं डार्क क्लाउड्स, और उस तरफ आती है सनलाइट, और ये सब कुछ इस वक्त क्लाउड्स में कवर्ड है। तो खैर, आज के यही चंद टॉपिक्स थे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो F-16 प्लेन क्रैश हुआ, तो उनके जो पायलट थे नुमान, अल्लाह ताला उनकी शहादत को कबूल फरमाए। प्लस कोरोना वायरस को लाइटली और फनी वे में ना लिया जाए, कि उसको सीरियस समझा जाए और प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए जाएं। हम लोग तो क्योंकि एक लापरवाह किस्म के लोग हैं, तो हम उस पर मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन स्टिल अनटिल इट इज़ 100% कन्फर्म कि भाई ये वाकई कुछ नहीं है, तब तक आप अपने आप को सिक्योर रखें, अपने आप को सेफ रखें, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लें, मास्क जो है वो पहने, अपने आप को हर तरह से जो है वो सेफ रखें। और बकाया मौसम आपके सामने है। तो है आज का जो ब्लॉग है वो यहाँ तक ही है। हर बार की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। World of make-believe.